देवा और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अगलसम में। आज हम बात करने जा रहे हैं आकाश कोचिंग सेंटर। आकाश एक बेस्ट कोचिंग सेंटर माना जाता है और स्टूडेंट्स का सपना होता है कि वो आकाश में पढ़े ताकि उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो पाए। इसीलिए आकाश हर साल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है और इस साल भी आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन 26 नवंबर से लेके 6 दिसंबर तक में लिए जाएंगे। एंथी एग्जामिनेशन यानी कि आकाश नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो है 2020 का, वो उसके एप्लीकेशन जो है वो आ चुके हैं और आप जो है अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन अप्लाई कर भर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि आकाश नेशनल एग्जामिनेशन जो टैलेंट हंट एग्जामिनेशन है उसके बारे में जो पूरी डिटेल्स है, आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको का जो सिलेबस है वो क्या है, आपको कैसे इसके प्रिपरेशन करना है, एवरीथिंग, मतलब कि आकाश कोचिंग सेंटर के इस एग्जामिनेशन को लेकर, एंथी 2020 के एग्जामिनेशन को लेकर सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में मैं आपको यहां पर बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंथी 2020 के इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। आकाश के जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं और आप जो है आकाश के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन जो है 26 नवंबर से 6 दिसंबर तक में लिए जाएंगे। एडमिट कार्ड के जो डेट्स हैं वो अभी तक रिलीज़ नहीं किए गए हैं और जैसे ही आपके डेट रिलीज़ होंगे हम आपको ज़रूर बता देंगे। जिसके लिए आपको बस यही करना है कि आपको अगला सिम के वेबसाइट या फिर अगला सिम के यूट्यूब चैनल को लगातार चेक करते रहना है। वहीं आपके ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो है वो 6 दिसंबर को लिया जाएगा। रिजल्ट्स के जो डेट्स हैं वो भी अनाउंस नहीं किए गए हैं, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट्स आती है तो मैं आपको अपने चैनल पे जरूर बताऊंगी और आपको जो भी रिलेटेड इसके रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं वो सारी अपडेट्स आपको अगला सेम के चैनल पर मिल जाएगी। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप akash.ac.in पर जा सकते हैं जहां पर आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करोगे। तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद आप जो दिए गए आपके जो स्पेस होंगे इस वेबसाइट पे मोबाइल नंबर जहां पे आपको एंटर करना होगा वहां पे आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और फिर आपको जो है OTP भेजी जाएगी आपको इसी मोबाइल नंबर पर और आपके OTP जो है आप वहां पर फिल करेंगे और उसके बाद जो एग्जाम डिटेल्स है वो आप वहां पे फिल करोगे। जिसके बाद आप प्रोसीड बटन को दबाओगे और प्रोसीड दबाने के बाद आपका जो एग्जामिनेशन का मोड है, स्टेट है, सिटी है, वो सब पूछे जाएंगे और ये सारी चीज़ों को वहाँ पे आप सबमिट करोगे और सबमिट करने के बाद आपका लास्ट प्रोसीडियर होगा, आपको पेमेंट करना होगा जहाँ कि आप अपने एप्लीकेशन फ़ी, जो एप्लीकेशन फ़ी है आपकी, वो आप जाकर वहाँ पे करोगे और उसको पे करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कम्प्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर हम बात करें एडमिट कार्ड की तो एडमिट कार्ड भी अभी तक रिलीज नहीं किया गया है, लेकिन एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं। अगेन आपको एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए भी आकाश की वेबसाइट akash.ac.in पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप वहाँ पर लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के लिए आपको अपना रोल नंबर और अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो वहाँ पर एंटर करना होगा। जैसे ही आप रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हैं आपका एडमिट कार्ड आपके सामने खुल जाएगा, जिसपे आप जो है अपना नाम, अपना जो एड्रेस है या फिर अपना जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पे है, आपका जो एग्जामिनेशन डेट है वो क्या है, जो एग्जामिनेशन डे है वो क्या है, टाइमिंग क्या है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं और फिर चेक करने के बाद आप जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें आंसर कीज की तो आंसर कीज के जो डेट्स हैं वो भी डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। एग्जामिनेशन होने के बाद जो आंसर की रिलीज की जाएगी उसको भी देखने के लिए आप हमारे वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
नहीं, रिजल्ट के लिए मैं आपको ये बोलूंगी कि रिजल्ट को चेक करने के लिए भी आपको आकाश के वेबसाइट यानी akash.ac.in पे जाना होगा, जहाँ पे आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। अगेन, आप रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के बाद जब आप जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है वो वहाँ पे दिख जाएगा आपको, और वो आपको रिजल्ट जो है वहाँ पे चेक कर सकते हो। बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस में क्लास 8 के स्टूडेंट को फिजिक्स में फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना होगा। केमिस्ट्री में आपको सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक मटेरियल, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना होगा। बायोलॉजी में क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो, कॉन्वर्सेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना होगा। मैथ्स में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एक्सपोनेंट, क्वाड्रिलेटरल, परसेंटेज, लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, डाटा हैंडलिंग पढ़ना होगा। वहीं मेंटल एबिलिटी में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, नंबर एंड अल्फाबेट टेस्ट, सीरीज क्लासिफिकेशन, एनालॉजी डायरेक्शन टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिगर्स पढ़ना है। क्लास 9 के जो स्टूडेंट हैं उन्हें फिजिक्स में मोशन, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन एक्सक्लूडिंग द फ्लोटेशन पढ़ना होगा। केमिस्ट्री में मैटर्स इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ना है। बायोलॉजी में सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड टिश्यू पढ़ना है। वही मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, लाइंस एंड एंगल्स, कंग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स एंड हेरोंस फार्मूला पढ़ना होगा। मेंटल एबिलिटी में जनरल लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, फिगर मैट्रिक्स, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिगर्स पढ़ना है। वही जो क्लास 10 के स्टूडेंट हैं उन्हें फिजिक्स में ग्रेविटेशन में फ्लोटेशन ओनली, वर्क एंड एनर्जी, साउंड क्लास, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये कुछ चैप्टर्स जो है आपको पढ़ना होगा। केमिस्ट्री में एटम एंड मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये सब बेसिस ऑन साल्ट एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना होगा। वहीं बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ये कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको बायोलॉजी में पढ़ने होंगे। वही मैथ्स में रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, ट्रायंगल्स, मेंसुरेशन, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, रेशियोज एंड आइडेंटिटीज पढ़ना है। मेंटल एबिलिटी में आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, सीरीज, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, जनरल लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फिगर्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। मैं आपके एग्जाम पैटर्न की बात करी तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 90 होंगे, ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन मेंटल एबिलिटी जो है वो 20 होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन मैथमेटिक्स जो है 25 होंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन साइंस जो है वो 45 होगा, जिसमें कि फिजिक्स 15 मार्क्स का, केमिस्ट्री 15 मार्क्स का, और बायोलॉजी भी 15 मार्क्स के पूछे जाएंगे। सो गाइस, आई होप कि आपको आकाश नेशनल टैलेंट हंट के एग्जामिनेशन की पूरी डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे मिल गई होगी, और आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा इसके बाद। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल अगला सर।